देखिए कैसे काम हो रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों अभी सुबह के 9 बज चुके हैं। दोस्तों हम दोनों की तरफ से गुड मॉर्निंग और प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं काम करने के लिए, साथ में मम्मी भी जा रही है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, आज आप लोग को दिखाएंगे हम लोग क्या काम करने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि बोले कि हम आज मम्मी और प्रीति जी सब जाएंगे आज काम करने के लिए, तो हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे आज काम चल रहा है हम सबका, तो उस जगह पे पहुंच चुके हैं। और साथ में आप लोग को दिखाएंगे कि ईटा कैसे बनता है। और देखिए भी बहुत मतलब तेज का धूप है जिसके वजह से थोड़ा सा कैमरा उतना अच्छा नहीं आ पा रहा है, लेकिन फिर भी जैसा भी है तो ठीक ही है। तो देखिए इधर मम्मी काम कर रही है और साथ में इधर प्रीति जी भी। देखिए दोस्तों ये इतना सारा ईटा है उधर सब एक साथ लगा दिया था, तो एक साथ लगने की वजह से थोड़ा सूखता नहीं, तो फिर जल्दी से हम लोग इसको पका नहीं पाते। जब सूखेगा तब ना फिर भोजेंगे फिर पकाएंगे, तो इसलिए थोड़ा अलग करके इसको सब हटा के फिर से थोड़ा सिंगल सिंगल करके लगा रहे हैं ताकि जल्दी सूखेगा तो फिर हम लोग काम और आगे जल्दी करेंगे। देखिए और साथ में हम भी काम करेंगे। तो चलिए पहले आप लोग को दिखा देते हैं कि ईटा कैसे बनता है और ईटा कैसे लोग बनाते हैं। दोस्तों आप लोग को दिखा रहे हैं कि कैसे लोग ईटा बनाते हैं। और देखिए ये रहा मिट्टी, इसको पहले पानी से इसको मिक्स किया जाता है, मतलब मिट्टी को थोड़ा पानी से इसको मिलाया जाता है और पूरा गीला किया जाता है, और ज़्यादा भी गीला नहीं थोड़ा टाइट ही रहता है। जैसे कि देख रहे होंगे अंकल कैसे ईटा बना रहे हैं। देखिए बना ईटा बनाने के लिए को साँचा होता है लकड़ी का, उसमें से मिट्टी डाल के फिर थोड़ा दबा के और साथ में फिर पारा जाता है। तो दोस्तों आप लोग को दिखाएं कि कैसे ईटा बनाते हैं हम लोग गांव में और कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता है, तो आप लोग को बताएं। तो जो हम ईटा बनवाने के लिए जो पानी लेके जाते हैं वो पानी हम अपना तालाब से लेके ही जाते हैं, जो कि खेत में एक छोटा सा तालाब भी है, देख सकते हैं यही तालाब है, दिखा रहे हैं आप लोग को बैक कैमरा से। देखिए यही तालाब है, हम लोग यहीं पे कपड़ा उपड़ा अपना जितना धोना होता है सारा कपड़ा उपड़ा यहीं पे धोते हैं, और साथ में छठ पूजा हम लोग का इसी तालाब पे ही होता है, जो झारखंड और बिहार का महापर्व है। देखिए दोस्तों मम्मी भी नीचे सफ़ा कर रही है, यहाँ सफ़ा करेगी थोड़ा बराबर करेगी ज़मीन को, इसके बाद ज़मीन को बराबर करने के बाद ईटा रखेंगे तो टेढ़ा नहीं लगेगा, नहीं तो फिर टेढ़ा हो जाएगा तो गिर जाएगा और टूट जाएगा तो बहुत। देखिए कैसे काम हो रहा है, कैसे काम कर रही है मम्मी और साथ में। तो दोस्तों बहुत सारा काम आज करना पड़ेगा हम लोग को, तो हम लोग तीनों जन आए हैं और आज काम तो ख़त्म नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना ख़त्म होगा हो पाएगा उतना ख़त्म करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे काम ख़त्म करके इसके बाद फिर उस साइड है, वो मिट्टी के उस साइड भी है, उधर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त गांव में खाने से पहले कमाना पड़ता है। सब हम लोग मिडिल क्लास से हैं, तो मिडिल क्लास आप लोग समझ ही सकते हैं कि मिडिल क्लास के लोग कैसे होते हैं। दोस्तों हम लोग ऐसे ही काम करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, तो आप लोग को दिखाएंगे। और मम्मी भी काम कर रही है, हम भी जाएंगे काम करने के लिए। तो दोस्तों देखिए
ये सारा हम लोग ईटा लगा दिए साइड करके। इधर पीछे साइड देखिए, और मतलब किनारे किनारे सारे हम लोग लगा चुके हैं। हम लोग का अब यहाँ काम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग का काम ख़त्म हो चुका है, अब खाना खाने का टाइम हो गया, करीबन 1 बज चुका है। तो हम लोग अब घर जाते हैं। तो आज का वीडियो कैसा रहा कमेंट करके बताइएगा, और फिर मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय जवाहर।